Today is the 5th anniversary of the Swachhta Abhiyan launched by Prime Minister Narendra Modi in 2015. We are here in Abu Sabah Enclave, Jamia Nagar area, near Jamia Millia Islamia University. We are standing here near the garbage dump that has been here for the last several years. It is giving a stinking foul smell to the in this area. People living in this area, Harikoti area, they complain that they are suffering from several lung diseases due to the pollution, garbage dump. Here is also a school, Milli Model School, with more than 1,000 students studying there. And there is a multi-specialty hospital with hundreds of patients visiting this hospital daily. And it has indoor facility also. And patients complain that they get foul smell and it puts a lot of inconvenience to them. And people passing through this road, they have to put handkerchief cloth on their mouth and nose to avoid stinking smell, foul smell. And due to the garbage dump, is the cattle assembled there, they create traffic problem also. There are some fruit sellers in front of the hospital, and they say life has become very difficult for them due to the garbage dump. रुकना अब हम जैसे के लिए तो रुकना बहुत सुगम भद्र आदमी बदबू मारती तो सांस लेने में परेशानी होती है, सफाई नहीं होती है, सफाई होती नहीं। अब क्या पता सफाई होती है नहीं होती। अब हम देखते तो अभी हम तो यह है कि बदबू आती रहती है 24 घंटे बदबू। बस जब भी बैठते हैं अब 24 रात को थोड़े जाते हैं, बस दिन में बैठ के आके रात को तो अपने घर चले जाते हैं, मगर दिन में बैठना मुश्किल हो जाता है। उसमें कुछ ना लेती है कुछ बदबू बदबू है वो बना रखी ना बीच में कोई बंदों को तैयारी ना किसी के काम के लिए। रोड का तो देखो मामला खराब हुआ पड़ा है, बहुत मामला खराब है। कितनी बदबू आती है, कितना लोग परेशान है, यहाँ के रहने वाले आसपास के लोग परेशान है, इसके बारे में जरूर बताएं। परेशानी तो देखिए सबसे हो रही है, लेकिन इसमें जी था 2015 में या 16 में कुछ कार्यक्रम चला था, यहाँ लोग बैठे थे टेंट लगा के एक कचरा यहाँ पे ना डले। लिहाजा ये है कि वो कार्यक्रम चला, लेकिन कोई सुनवाई के बारे में उसकी पक्की कह नहीं सकते कि क्या हुआ, तो इसलिए क्या नहीं। अब मसला ये है कि गाड़ी आती है और जैसी भी चीज़ें चलती है तो कचरा उठता रहता है, लेकिन आबादी के पास कचरा है, उधर सामने इतनी बड़ी आबादी है, इधर स्कूल है, इधर अस्पताल है, तो इससे लोगों को जो पर स्कूल में बच्चे हज़ार बच्चे पढ़ते हैं तो वो हवा तेज चलती तो उधर तो सब में फैलता है जी। अब उसके लिए क्या करें, जो सरकार को सोचना चाहिए ना, देखता है एक अलग को कहीं को बनाया जाए, क्योंकि प्रदूषण बहुत हो रहा है जी। प्रदूषण तो हो रहा है सर, इसको हटा देते हैं और शुद्ध करा जाए तो बेहतर रहेगा। परेशानी होती है, आदमी जब इधर से गुजरता है तो थोड़ा हाथ मुंह पर रख के चलता है। तो यहाँ से जब आप गुजरते हैं जी, ये जो हरिकोठी अस्पताल के सामने ये जो कचरे का ढेर है जी, उससे क्या तकलीफ होती है आपके पैसेंजर्स को और लोगों को, आपको बदबू आती है? हमारे जो पैसेंजर है ना, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, सांस की बीमारी हो जाती है, तो हमें कपड़ा लगाना पड़ता है। जब बारिश वारिश होती है तो और बढ़ जाती है, और ज़्यादा गंद हो जाती है। सर्दी के मौसम में भी बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। तो यहाँ पर कुछ कारपोरेशन वाले कुछ हटा उठाने का कुछ कोई काम नहीं, तो कोई बहुत लापरवाही में मुख्तलिफ अंदाज से कोशिशें होती है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब कि हॉस्पिटल बना उसके बाद जब यहाँ की चीफ मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन तो उनके साहिबजादे संदीप दीक्षित वो एमपी थे,
तो चीफ मिनिस्टर ने अपने बेटे एमपी थे उनसे ये जिक्र किया कि क्या बात सपना, और उन्होंने उस वक्त कहा कुछ शिक्षक कराना चाहिए होना चाहिए। तो उस वक्त से ही ये 2011 के बाद हम कोशिश करते हैं कि गुब्बार था रसवाणा इसका पूरा फैल है हमारे पास, या ध्यान कराई जाती है यहाँ के एम एल ए साहब और फिर एम एल ए के डायरेक्ट इसमें नहीं आता, यहाँ के कारपोरेटर कौन सी जगह कारपोरेटर उनसे 12 गुजारिश की गई और उनको लेकर कुछ लोगों को जमा भी किया गया इसी एरिया के, और उनसे उसको उन्होंने भी अश्योरेंस किया कि हम कुछ करेंगे थोड़ा बहुत तो हटा देते वक्ती तौर पर, फिर वही होता है।